पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में जानेंगे। अभी जो नया सिलेबस के अनुसार से देखा जाए तो क्या किया जा रहा है, फर्स्ट में सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहा है। तो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या इसके लिए कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप कैसे इस क्वेश्चन को कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से जुड़ा हुआ, तो इसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर आखिर होता क्या है। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले कुछ कुछ हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं जो पहले बताया गया। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर को ही बोला जाता है काउंटिंग नंबर। किसको क्या जाता है, काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर को क्या कहा जाएगा, नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या हो गया, इनफिनाइट तक ये सभी क्या होगा, नेचुरल नंबर। अब इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर आखिर होता क्या है, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये सब जो नंबर आता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ये सब में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसके बारे में थोड़ा समय लिया जा रहा है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं होल नंबर, आखिर होल नंबर क्या होता है। जब नेचुरल नंबर को क्या होता है, जीरो प्लस नेचुरल नंबर कर देंगे हम लोग, तो उसी को क्या कहा जाएगा, होल नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ, गिनती तो वन से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, लेकिन जब जीरो से गिनेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, अब कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, इसी को कहा जाएगा होल नंबर। इसके बाद क्या आता है, इंटीजर जान लेते हैं क्या होता है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये देखिए जीरो, जीरो के राइट हैंड साइड मतलब प्लस वाला कोई भी जितना भी नंबर हो, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनाइट तक। और इधर क्या होता है, जीरो के निगेटिव में, -1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनाइट तक। तो इसको ये को क्या कहा जाएगा, इंटीजर कहा जाएगा। अब इसके बाद एक और आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आखिर होता क्या है, तो क्या होता है, एकदम सिंपल सा इसका यही बताया गया कि जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो, नहीं बुझाता तो जो बट्टा में लिखा हुआ रहता ना, जैसे 2/3, 4/5 यही रेशनल नंबर है, ठीक है, कुछ दूसरा नया रेशनल नंबर नहीं होता है। तो क्या होता है, अब इसमें क्या देखना रहता है कि नीचवा जो रहेगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। इसीलिए लिखा हुआ रहता है कि क्यू इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जो नीचे जो भी रहेगा डेनोमिनेटर जो रहेगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर बोला जाएगा कि 3/0 क्या ये रेशनल नंबर है, तो इसका आंसर होगा नहीं, रेशनल नंबर ये नहीं है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, एकदम बहुत ही सिंपल सा बात है, जो दो से डिविजिबल हो जाए उसी को इवन नंबर कहा जाता है। जो दो से कटेगा उसको क्या कहा जाएगा, इवन नंबर। जैसे क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से। तब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटका कौन सा होगा, 2। तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट इवन नंबर, तब क्या होगा, तो इसका आंसर होगा इनफिनाइट, क्योंकि इसका डिफाइन ही किया ही नहीं जा सकता है, मतलब कितना भी आप बोलेगा उसमें तो कुछ और भी तो आगे हो सकता है, तो क्या होगा, इसका इनफिनाइट हो गया। अब बोला जाएगा ऑड नंबर आखिर क्या होता है, तो जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से जो डिवाइड हो जाएगा, जो हो जाएगा ये इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा उसी को कहा जाता है ऑड। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 से जो डिवाइड नहीं होगा, 3, 5, 7, 9, 2, 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
नंबर। तो प्राइम नंबर आखिर होता क्या है, तो इसमें भी बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो सीधा से देखना क्या जानना है कि जिसका दो फैक्टर हो उसी को कहा जाता है प्राइम नंबर। रियल नंबर में ही इस सबको पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना रहता है। अब इसमें क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाए तो आसानी से बना लीजिएगा, अगर नहीं पूछा जाए तो ये तो जनरल नॉलेज के लिए सब जानना भी जरूरी है। तो क्या होता है, जिसका दो फैक्टर हो, सिर्फ दो फैक्टर हो, ओनली टू फैक्टर जिसका हो उसी को कहा जाता है प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए 5, तो 5 का जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, 5 से काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 टाइम्स में कटेगा, इसका मतलब क्या होगा 5 × 1, ये फैक्टर हुआ, ये फैक्टर हुआ, सिर्फ दो ही ना फैक्टर हो रहा है। जब दो फैक्टर होगा उसी को प्राइम नंबर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्राइम नंबर। जिसका दो फैक्टर रहेगा
उसको प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कंपोजिट। तो इसका एकदम सिंपल सा बात, जिसका दो से ज्यादा फैक्टर रहेगा तो इसको क्या कहा जाएगा, कंपोजिट नंबर, मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। अब ये बात आ रहा है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया कि प्राइम फैक्टर क्या बोले, दो को फैक्टर बोल रहे हमको नहीं समझ में आ रहा, तो एकदम ठेठ भाषा में समझिए, जो कोई नंबर से नहीं कटेगा ना, मतलब केकरो नंबर कोई नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं, भाग होगा ही नहीं, उसी को प्राइम नंबर कहा जाता है। पाँच किसी का पहाड़ा में आता है क्या, तो बोलेगा कि हाँ सर आता तो है, पाँच एकम पाँच, फाइव वन जा फाइव, तो क्या होगा ये प्राइम नंबर होगा। तो इसमें क्या बताया गया था कि जो दूसरे क्या होता है सॉरी जो किसी से भी नहीं कटेगा तो क्या होगा, प्राइम नंबर, और जो कोई ना कोई नंबर से कट जाएगा, कुछों से कट जाए, तो उसी को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। जैसे नौ बोला जाएगा नाइन, तीन का पहाड़ा में तो आता है कि तीन थ्री का नौ, थ्री थ्री जा नाइन, तो ये क्या जा रहा, नाइन कट जा रहा है, क्या हो गया कंपोजिट नंबर। और कुछों नंबर से नहीं कटेगा, जैसे ग्यारह ले लीजिए, कुछों से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो प्राइम नंबर। एकदम ठेठ भाषा में हुआ, अगर अच्छे से समझना है तो एकदम अच्छा से क्या बोलता है कि अ नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। और ठेठ भाषा में कोई से नहीं कटेगा ना, वो प्राइम नंबर हो गया, जो किकरों से कट जाएगा वो कंपोजिट नंबर। अब तो समझ में आ गया। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो अगर दो यहां लिखेंगे तो दो से डिवाइड करते हैं, टू वन जा टू, तो इसका टू होगा और वन होगा, मात्र दो को फैक्टर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो दो होगा, क्या होगा, टू होगा। अगर बात किया जाए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो क्वेश्चन ये आ जाएगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो दो तो कहीं सिर्फ दो ही ना आ रहा है, तीन लेंगे तो क्या होगा, थ्री और वन ही ना होगा, दो ही ना फैक्टर आ रहा है, चार लेंगे यानी कि टू होगा, दो से कटे मतलब वन से तो कटे गए, टू से कटे गए, फोर से भी कटेगा, यानी कि तीन को फैक्टर हो गया, तो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। लेकिन अब बात किया जाएगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑड। क्वेश्चन बात किया जा रहा है ऑड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, तो इसका बात किया जाएगा तो क्या होगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर लेकिन ऑड नंबर, तो ऑड लिखेंगे, तो ऑड क्या होता है, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, नौ हो गया, तो पांच और सात जब क्या बोला गया था, जब केकरो से कटबे नहीं करेगा वो तो प्राइम नंबर, तो कंपोजिट नंबर कभी होगा क्या, इसका तो बात हटा दीजिए। अब नाइन आ रहा है, तो सबसे छोटा में से क्या रहा, नाइन आ रहा है, तो क्या होगा, नाइन क्या कैसे कटेगा, तो एक से कटेगा, तीन से कटेगा, नौ से भी कटेगा, यानी कि स्मॉलेस्ट जब क्या बोला जाएगा, ऑड कंपोजिट नंबर बोला जाएगा, तब नाइन होगा। अब यहीं पर बात आ रहा है कि को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर यानी कि क्या होता है, जो लगातार दो गो नंबर जो किसी से नहीं कटे, तो आप लोग बोलेगा कि लगातार दो गो नंबर ऐसा कभी हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान लेते 11 लेंगे 12, तो 12 दूसरे तक कट ही जाता है, तो वैसा नहीं, एगो छोड़ के लेना है लगातार वाला, ठीक है, 11 तो 13 क्या किसी से कटता है क्या, नहीं, तो ये क्या हो गया 11 और 13 हो गया, यही हो गया को प्राइम नंबर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट को प्राइम नंबर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 3 5, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, इसके बाद क्या होता है 5 7, ठीक है। अब आप लोग बोलेगा कि हाँ सर हमको समझ में आ गया कि 7 और 9 रहेगा एकदम को प्राइम नंबर रहेगा, तो बिल्कुल गलत, ये को प्राइम नंबर नहीं है, 9 तो कट जा रहा है, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं होगा, 7 9 नहीं होगा, तब बोलेगा कि हाँ समझ में आ गया, 9 11 ले लीजिए एकदम होगा, ठीक है, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, अरे ये तो नहीं होगा, ये कट जा रहा तो कैसे होगा, तो इसलिए नहीं होगा, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन सारा कुछ दूर हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टार्ट, अरे बंद करो, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, जो टॉपिक आ रहा है इक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब यहां पर बात किया जा रहा है, इक्लिड तो समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी का नाम होगा, नाम होगा, डिवीजन डिवाइड करते आ रहा, तो डिवीजन भी पता होगा, लेमा का है भाई, लेमा क्या है, ठीक है, तो लेमा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, लेमा आखिर होता क्या है। कोई भी एक चीज क्या दे दिया गया, थ्योरी दे दिया गया, बस बात को बता दिया गया, कुछ भी चीज को बता दिया गया, जैसे एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि सूर्य जो होता है, सन जो है, पूरब से राइज होता है, किधर से राइज होगा, पूरब से राइज होता है। अब ये एक बात बता दिया गया, अब इसी बात को हम क्या करना है,
इसी बात को आप इससे क्या क्या बात निकाल सकते हैं और इससे क्या पता चल सकता है, जब इसका मतलब क्या हो सकता है, आप बोल सकते हैं कि अच्छा पूरब से निकलता है, इसका मतलब क्या तो पश्चिम में डूबता होगा। ठीक है, एक बात बताया गया कि नहीं पूरब से क्या होता है, सनराइज होता है, तो इसी से क्या बात पता चला कि जब पूरब से राइज होगा तो किधर डूबेगा, पश्चिम डूबेगा। तो इसी से जब पता चलेगा, इसी को कहा जाएगा लेमा। मतलब जब एक बात दे दिया गया, स्टेटमेंट दे दिया गया, मतलब एक कोई भी बात बता दिया गया, अब उससे जो हम लोग को जानकारी मिलेगा, ठीक है, जो नया चीज़ हम लोग देखेंगे उसमें से, उसी से वही थ्योरी से हम लोग नया चीज़ कुछ भी निकालेंगे, उसी को कहा जाता है लेमा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, लेमा। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि डिवीजन के बारे में बताया जा रहा है, तो डिवीजन में देखिए क्या होता है, एक चीज़ दिया हुआ है, इका दिया हुआ है, ए बी सी डी कुछ लिख दिया गया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो आखिर होता क्या, ये है क्या चीज़, तो देखिए इसमें क्या है, कोई भी एक नंबर लेते हैं, दो से डिवाइड कर दिया गया है 11 में, दो से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 2 × 5 = 10, घटाएंगे 1। ठीक है, तो ये जो जिससे डिवाइड किया जाता है इसी को कहा जाता है डिविजर, इसको कहा जाएगा कोसेंट, और ये क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर, और ये क्या है, डिविडेंट है, डिविडेंट। अब इसमें क्या बोलता है, जो मिडिल में जो है ये बोलता है कि नहीं हम सबसे मालिक है, क्या है, मालिक है, तो मालिक रहेगा तो क्या, तो वो तो अलग ही रहेगा, आराम से बैठा हुआ रहेगा, तो मालिक को अलग बैठा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया है, डिविजर और कोसेंट जो रहता है, अब इसके अगल बगल है मंत्री लोग है कि नहीं, मंत्री लोग है, इसके अगल बगल कौन रहता है, राजा के अगल बगल कौन बैठता है, मंत्री लोग ही बैठेगा, तो मंत्री लोग को एक तरफ कर दीजिए, यानी कि 2 × 5। अभी क्या कर देना है, ये सब क्या आता है, नौकर है ये। ठीक है, तो नौकर को बोलता है कि नहीं इसको जोड़ के रखना होगा, काम हम कौन करेगा, इसको जोड़ के तो रखना होगा ना, तो इसको जोड़ के रख दीजिए इसको यहाँ पर। यही देखिए क्या था आपका, इक्लिट डिविजन लेमा। अब ये क्या है, ए जो है ये डिविडेंड को दिखा रहा है, बी क्यू जो है किसको दिखाया जा रहा है, डिविजर और कोसेंट को दिखाया जा रहा है, और ये जो आर जो है, आर क्या है, रिमाइंडर है, तो इसी को दिखाया गया, जैसे क्या है, इसको ए मान लीजिए, ये बी क्यू हो गया, और ये क्या है, आर। तो ये आपका जो इक्वेशन दिख रहा है ये फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसी में बताएगा कि इक्लिट्स डिवीजन लेमा में क्या बताएगा, जो डिवीजन जो होता है, जो हम लोग भाग करते हैं, किसके बराबर होता है, डिविडेंड जो रहता है, ये जो डिविडेंड जो है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, तो इसी के बराबर होगा। तो क्या क्वेश्चन बताया गया था अभी लेमा के बारे में, क्या बताया गया था कि जो एक थ्योरी दिया जाएगा उसी को लंबा कर दीजिए, लंबा कर दीजिए, लेमा ना, लेमा को लंबा कर दीजिए। ठीक है, लंबा मतलब क्या कहता है, इसी को जितना मतलब एक होता है ना, इसको क्या कहता है, जितना खींचना खींचते चले जाइए, उसी को कहा जाएगा लेमा कहा जाएगा। मतलब यही बात को क्या कर दिया गया है, और डिस्क्राइब कर दिया कि नहीं देखो इसको ऐसे करेगा तब पर भी आंसर आ जाएगा, तो यही बात बताया गया है। तो इसमें क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही आपका इक्वेशन बुक में दिया गया है। अब ये कहाँ से आ रहा है, ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, तो ये सब समझ में आ गया ना, क्या होता है, ये जो दिखा रहा है, ए जो दिखा रहा है, डिविडेंट है, क्या है, डिविडेंड, और क्या है, जो बी और क्यू है, डिविजर और कोसेंट को दिखाया जा रहा है, जबकि आर क्या है, रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर। एक और एग्जांपल लिया जा रहा है, जैसे एक 3 से डिवाइड करते हैं, किसमें, 13 में, कितना टाइम्स में होगा, 4 टाइम्स है, 3 × 4 = 12 − 1। अब इसमें क्या बताया गया, जो सबसे बड़ा है, यानी कि क्या है, ये डिविडेंड, तो इसको बाहर कर दीजिए, उसके बाद मंत्री लोग इसके साथ मिलाइए, 3 × 4, और इसको नौकर है तो इसको जोड़ के रखना पड़ेगा ना, तो इसको जोड़ के रख दिए। ठीक है, तो यही क्या हो गया, यही तो इक्वेशन को फॉलो करना था। अब इसमें ये बात आता है कि कितना भी इन लोग मंत्री लोग कितना भी आगे बढ़ जाए, कभी राजा से ऊपर हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है, याद रखना है, कितना भी मंत्री उछल जाए राजा से बड़ा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो यही बात क्या जा रहा है, कितना भी डिविजर और कोसेंट मल्टीप्लाई हो जाए, डिविडेंड से बड़ा कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि जब डिविजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डिविडेंड से बड़ा हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपका पहला ये इक्वेशन हुआ। अब यहां पर बात आ रहा है, ये तो बता दिया गया कि इससे बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन इसका भी कैपेसिटी देख लीजिए। ठीक है, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर का बोलता है, अच्छा इसके बराबर इतने को मल्टीप्लाई करें तो राजा से बड़ा नहीं हो सकता है। अब ई का बोलता है कि तुम कितना भी बड़ा हो जाएगा ना, हमसे बड़ा नहीं हो सकता है,
ये बोलता है कि तुम कितना भी बड़ा हो जाएगा हमसे बड़ा नहीं हो सकता है, घटाने के बाद कितना रहेगा इससे छोटा ही रहेगा। ठीक है, मतलब जब भी रिमाइंडर रहेगा जो डिविजर रहेगा उससे छोटा ही रहेगा। ठीक है, अगर इससे बड़ा आ रहा है तब एक ही मतलब स्थिति में हो सकता है, पता है कब? डिविजर से रिमाइंडर जो है एक ही स्थिति में बड़ा हो सकता है, पता है कब हो सकता है? जब आप गलती कीजिएगा तब हो सकता है, इसके अलावा कभी नहीं हो सकता है। जैसे कुछ कुछ एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होता है 3, मान लेते हैं यहाँ पर कितना 14 से मल्टीप्लाई किया जाए, सॉरी डिवाइड किया जाए, 3 4 जहाँ कितना होगा 12, माइनस क्या होगा 2, घटाने पर कितना आया 2 आया। तो अब यहाँ पर कितना है 3 से क्या है छोटा है, नहीं है छोटा है। ठीक है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं एक और बढ़ा देते हैं 15, तो 3 5 जा 15, ये तो पूरे कट जा रहा है, यानी कि घटाएंगे कितना होगा 0 होगा, यानी कि इससे भी कम हो रहा है। अगर बोलते कि नहीं 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 इसमें गलत हो रहा है, इस बार 16 ले लेते हैं। ठीक है, 16 लीजिए, 3 5 जा 15, तो 16 माइनस 15 करेंगे कितना होगा 1, अगर 17 करते कितना होगा 2, 18 करते कितना होगा 0। मतलब क्या इससे कभी बड़ा हो रहा है क्या? नहीं। कभी नहीं बड़ा हो रहा है। तो ये क्या बोलता है कि तुमको कभी ऊपर होने नहीं देंगे, और ये बोलता है कि तुम लोग कितना भी तेज बन जाओ हम तुम लोग को आगे नहीं होने देंगे, बड़ा नहीं होने देंगे। तो यही नियम क्या है, इक्लिप्स डिविजन लेमा। अब अगला जो टर्म आ रहा है एल्गोरिदम, किताब में एक वर्ड दिया गया एल्गोरिदम, आखिरी क्या होता है? बहुत सारा टेंशन ही होता है कि कंप्यूटरों पढ़ते हैं तब भी एल्गोरिदम, मैथ्स भी पढ़े उसमें भी एल्गोरिदम, आखिरी एल्गोरिदम है क्या? तो एल्गोरिदम होता क्या है, सीधा सा बात समझिए, एक एग्जांपल दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं आपको सब्जी बनाना है, क्या चिका कुछ भी मान लेते, भुजिया बनाना है, नहीं भुजिया ये सब मजा आने का, क्या सबसे अच्छा चिकन बनाना है। ठीक है, तो चिकन बनाने का क्या होता है, एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है। आप बाजार जाइएगा, फ्रेश वाला मुर्गा को पकड़ के बोलिएगा कि नहीं इसको काट दीजिए। ठीक है, अब उसको लाइएगा, उसको अच्छे से धो करके फ्राई कीजिएगा, उसको अच्छा फ्राई करना है, मसाला सला भूज करके क्या होता है तब तक क्या होता है मुंह में पानी आते रहेगा, बर्दाश्त कीजिएगा। ठीक है, और जैसे तैयार होगा, ठीक है, तो आप उसको क्या होता है सर्व कीजिएगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या होता है, चिकन बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एल्गोरिदम भी क्या है, वही सिस्टमैटिक ढंग को क्या कहा जाता है, एल्गोरिदम कहा जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ को एक सिस्टम से करेंगे ना, वन बाय वन करते जाएंगे, तो उसी को कहा जाएगा एल्गोरिदम। जैसे चिकन बनाने का एक के बाद एक प्रोसेस बताया गया, अगर हम लोग क्या करेंगे कि मुर्गा लेने गए भी नहीं किए, एक बार फ्राई कर रहे हैं, क्या बनेगा? क्या कभी नहीं बनेगा। तो यही बताएगा कि नहीं सिस्टमैटिक ढंग से करना है। ठीक है, तो एल्गोरिदम में क्या करना है, सिस्टमैटिक ढंग से करना है। तो एल्गोरिदम आखिर क्या होता है, कोई भी वर्क मतलब कुछ भी काम जो सब सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं उसी को एल्गोरिदम कहा जाता है। अब यहां पर देखो क्या होता है, अब आखिरी टॉपिक इस चैप्टर से जुड़ा हुआ हम लोग पढ़ेंगे, कैसी था इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल पहले बता दिया गया था कि जो पी बाई क्यू फॉर्म में रहेगा उसको रेशनल नंबर कहा जाता है, जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, इरेशनल नंबर। और इसमें सिंपल सा ये बताया गया था कि जो भी रूट में अगर कोई भी नंबर रहे, जैसे रूट 2, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे 1/√2 तो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर और इस रेशनल नंबर पहचानने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, या तो कोई भी रेशनल नंबर दिया रहेगा उसको डेसिमल में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। इस चैप्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जितना भी जिस टाइप से भी बनेगा, अगले हम लोग वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं रेशनल और इरेशनल के बाद देखेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आखिर होता क्या है, तो देखते हैं। टर्मिनेटिंग एक वर्ड आता है टर्मिनेटिंग, दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का अगर सीधा सा समझिएगा, जो कट जाएगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जो कभी नहीं कटेगा, बार बार आते जाएगा, वही होता है नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 7 में, जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 3 जा 6, 1 आएगा पॉइंट दिया जाएगा 0, 2 5 जा 10, ये कट गया, यानी कि क्या होगा 3.5, ये कट जा रहा है नहीं कट रहा है, ये टर्मिनेटिंग हुआ। जो कट जाएगा टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन जो कभी नहीं कटेगा, जैसे 3 से डिवाइड करेंगे 10 में कितना आएगा 3 3 जा 9, 1 आया 0, फिर से 3 आएगा फिर से 9,
फिर से यहाँ पर क्या होगा 039, मतलब ये क्या होता है 333 आते जाएगा, कभी भी ये कटेगा ही नहीं। जब कभी कटेगा ही नहीं तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। एक क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है, आप लोग क्या चेक करके आइएगा, 1/17 इसको चेक करके आइएगा, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। 1/17 ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको चेक करना है। अब इस चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से जुड़ा हुआ सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर दिया गया है। अब इससे जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन बन सकता है अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। चलो।